कब है हरतालिका तीज, क्यों मनाई जाती है ये पूजा, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर सामग्री की लिस्ट तक। तो हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रत में से एक माना जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, साथ ही कुमारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। तो इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर पूजा सामग्री तक की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है हरतालिका तीज करने वाले सभी व्रतियों के लिए। पहले बात करते हैं कि कब है हरतालिका तीज का त्यौहार। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का त्यौहार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये शुक्रवार यानी कि 6 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि गुरुवार 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू होगा, जिसका समापन शुक्रवार 6 सितंबर 2024 की दोपहर 3:01 पर होगा। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म का त्यौहार उदया तिथि में मनाया जाता है। ऐसे में हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। ऐसे में हरतालिका तीज के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6 सितंबर की सुबह 6:01 से लेकर 8:32 तक है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं इस समय भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना कर सकती है शुभ मुहूर्त में। कई जगहों पर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी पूजा करने का विधान है। बता दें कि इस दिन सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज पूजा सामग्री की। तो हरतालिका तीज पर पूजा करने के लिए सुहागिन महिलाएं मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और साथ में मां गौरी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा की सामग्री में आप गंगाजल, दूध, दही, शहद, चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, बेलपत्र, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, पूजा की चौकी, धतूरे का फूल जो है, दुर्वा, नारियल, अक्षत, घी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, फल आदि रखें। इसके अलावा आप व्रत कथा सुनने के लिए पुस्तक जरूर रखें। अब बात करते हैं कि कैसे करें हरतालिका तीज की पूजा जिससे आपको ज्यादा फल मिले, सही तरीका क्या है। तो हरतालिका तीज के दिन पूजा करने के लिए सुहागिन महिलाएं सबसे पहले सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और 16 श्रृंगार करें। अब व्रत का संकल्प लें, उसके बाद भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा के लिए बालू या काली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की जो है मूर्ति बनाएं। उसके बाद पूजा स्थल पर केले के पत्ते से मंडप बनाएं। अब गंगा जल पंचामृत से भगवान शिव और माँ गौरी का अभिषेक करें। उसके बाद फिर गणपति जी को भी अभिषेक करें। अब दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। इसके बाद अब भगवान भोलेनाथ को चंदन, मौली, अक्षत, धतुरा, आँख के फूल, भस्म, गुलाल, अबीर अर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती को फूल और सुहाग का सामान अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को फल आदि का भोग लगाएं। दीप जलाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनें। अब भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रणाम करें और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें। तो इस तरह से आप विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। पूजा समापन के बाद आप उनसे परमपिता परमेश्वर के दरबार में आप अपने पति की जो है सलामती के लिए, लंबी आयु के लिए, पुत्र की सलामती के लिए आप जो है कामना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि क्या है हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त, कब मनाया जाएगा, सामग्री लिस्ट से पूजा करने का तरीका। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और दूसरों लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।